योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो प्रेशर टाइप गैस गीजर के मैग्नेट सेंसर के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैग्नेट सेंसर की फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे ही जब भी आपका गैस गीजर ऑन नहीं हो रहा या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले हमें बैटरी बॉक्स के बाद मैग्नेट सेंसर को ही चेक करना होता है। आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट सेंसर की लोकेशन कहाँ होती है, जो हमारी ठंडे पानी वाली पाइप होती है दोस्तों, वहाँ पर इस मैग्नेट सेंसर का जो स्थान है वहाँ होता है। क्योंकि इस पाइप के अंदर एक मैग्नेट होता है जो पानी के फ्लो से ऊपर जाता है और मैग्नेट सेंसर के जस्ट पीछे आने के बाद यह मैग्नेट सेंसर काम करता है और सप्लाई आगे इस जैक के द्वारा आगे हमारे सर्किट बॉक्स में देता है। दोस्तों यही इसकी कार्यप्रणाली होती है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ सावधानियाँ इस्तेमाल करनी होंगी। आप मैग्नेट सेंसर चेक करते हुए गैस गीजर के गैस रेगुलेटर को ऑफ रखना है, यानी कि आपको गैस की सप्लाई नहीं देनी, क्योंकि हम दोस्तों इसको बगैर पानी के चेक करेंगे, यानी कि आप भी अगर इसे जब चेक करेंगे तो बगैर पानी के ही चेक करेंगे, क्योंकि पानी के साथ तो यह काम नहीं कर रहा। इसलिए हम इस प्रक्रिया को अपना रहे हैं इस मैग्नेट सेंसर को चेक करने के लिए। दोस्तों मैग्नेट सेंसर दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों ये पाइप के ऊपर फिक्स होता है, जैसे आप देख सकते हैं दो स्क्रू के द्वारा। एक दोस्तों यह होता है जो इस पाइप पर ऐसे फिक्स हो जाता है, जैसे हम गैस गीजर पाइप पर जो लेटेस्ट नए गैस गीजर आ रहे हैं, ऐसे यह दोस्तों फिक्स हो जाता है। इसलिए ये दोनों ही मैग्नेट सेंसर हैं, आपको इसमें कोई भी फर्क नहीं महसूस करना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे वाली प्रक्रिया पर। दोस्तों जैसे ही मैग्नेट सेंसर काम नहीं करेगा तो आपके लाइटर भी ऑन नहीं होंगे, यह आपको जानना है। इसलिए इसको चेक करने से पहले आपको एक प्रक्रिया अपनानी है, जिसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। क्योंकि यह आप अभी जान ही गए हैं कि यह मैग्नेट सेंसर जब काम करेगा, जब इसके पीछे मैग्नेट आएगा। कई बार पानी के फ्लो से मैग्नेट ऊपर नहीं उठता है, इसलिए सबसे पहले आपको शो करना है कि आपका मैग्नेट ऊपर उठ रहा है। इसलिए आपको कोई लकड़ी की तीली या कोई लोहे की तीली जो पतली हो और इस पाइप में आसानी से चली जाए, लेकिन इससे पहले इसमें एक जाली होती है, उसे आपको निकालना है। उस जाली को निकालने के बाद आप इसमें वो तीली डालेंगे और मैग्नेट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, आपको आराम से करना है। देखिए दोस्तों, आपको आवाज सुनाई दी है। जैसे ही मैं तीली को ऊपर उठा रहा हूं, उससे मैग्नेट ऊपर उठता है और सेंसर के पीछे जाने के बाद वो काम कर जाता है। अगर इस विधि से आपका सेंसर ऑन हो जाता है, आपका गीजर ऑन हो जाता है, तो आपको सिर्फ यही समझना है कि आपके गैस गीजर का जो मैग्नेट है वो पानी के फ्लो से ऊपर नहीं उठ पा रहा। उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो ये जाली ब्लॉक हो सकती है, या फिर आपने पानी के कनेक्शन गलत कर दिए हो। जैसे कि यहाँ गर्म पानी की पाइप होती है, उसमें आपने कोल्ड के कनेक्शन जोड़ दिए और यहाँ गर्म के जोड़ दिए हो, तब यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगर इस प्रक्रिया से आपका मैग्नेट सेंसर ऑन नहीं हो रहा, तो आपको सीधे कोई मैग्नेट लेना है। जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है और मैं इस मैग्नेट को इस मैग्नेट सेंसर के सामने रखूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं मैग्नेट सेंसर को मैग्नेट के सामने रखता हूं, तो ये सेंसर काम करना शुरू कर देता है। यानी कि इस विधि से भी आप मैग्नेट सेंसर को चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर ये दोनों विधियां इस पर आप अप्लाई करते हैं और मैग्नेट सेंसर काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपका मैग्नेट सेंसर ठीक है। कमी कहीं और हो सकती है, या तो आपके मैग्नेट में कमी हो सकती है, या फिर आपके बैटरी बॉक्स में कमी हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक तरीका और है, अगर आपको मैग्नेट सेंसर को बाईपास करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप मैग्नेट सेंसर को बाईपास कैसे कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको इसके जैक पे जाना होगा। दोस्तों ये आप जो जैक देख रहे हैं, ये मैग्नेट सेंसर का जैक है। यहाँ से मैग्नेट सेंसर कनेक्शन होते हुए हमारे सर्किट बॉक्स में जाते हैं। अक्सर कई बार आप पूछते हैं कि हम मैग्नेट सेंसर को बाईपास कैसे करें, तो उसकी दोस्तों यही विधि है। आपको यह जैक को बाहर निकालना है, और जैसे ही आप इस जैक को बाहर निकालेंगे, तो आपको ये मेल जैक इस सेंसर का आपको साइड में कर देना है, और जो ये फीमेल जैक है दोस्तों, जो हमारे सर्किट बॉक्स में जा रहा है, इसमें आपको दो पिनें दिखाई दे रही हैं, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की।
आप देख सकते हैं दोस्तों, दो पिनें दिखाई दे रही हैं। इन दोनों पिनों को हमें शॉर्ट करना है किसी भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या किसी भी लोहे के तार से या जैसे भी आपके पास जो उपलब्ध हो उसके साथ हमें इसे शॉर्ट करना है। देखिए देखिए, जैसे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ अभी, यानी कि इन दोनों पिनों को हमें मिलाना है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों पिनों को शॉर्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं लाइटर ऑन हो गए हैं। अगर आपको कोई भी विधि ना अपनाई हो तो आप सीधे इस विधि के द्वारा इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि आपका मैग्नेट सेंसर खराब है या मैग्नेट खराब है। इससे आप कंफर्म हो जाएगा कि आपका सर्किट सही है और प्रॉब्लम कहीं और है। आप देखिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि दोनों पिन शॉर्ट करने के बाद हमारा गैस गीजर काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थे वो दो तीन तरीके जिनके द्वारा आप मैग्नेट सेंसर को बाईपास कर सकते हैं या मैग्नेट सेंसर के बारे में जान सकते हैं क्या वो ख़राब है या सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञान आपके जाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।